चलते चलते चैनल में आज के विचार का विषय है आपका घर कितना बड़ा होना चाहिए। प्रिय दोस्तों, होम हाउस रेजिडेंस घर घरोंदा निवास स्थान कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमें देखने में पर्यायवाची लगते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो हर एक शब्द आपके घर का एक एक गुण, अलग अलग गुण बताता है। घर का दूसरा नाम खुशी होती है। हमारा घर हमें जीवन भर खुशियां बटोर कर देता है। हमारा घर हमें हीलिंग देता है जब हम कभी बीमार हो जाते हैं। जब हम सेहतमंद होते हैं, हमारा घर हमें इम्यूनिटी देता है। हमारा घर हमें आनंद देता है। हमारा घर हमें कभी कभी परमा आनंद देता है। घर हमें सुख देता है। घर हमें शांति देता है। घर हमें निर्वाण देता है। और कभी कभी घर हमें मुक्ति देता है। मैं आपको सुजेस्ट करना चाहूँगा कि इन सभी गुणों का साइज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इन सब गुणों का इस बात से ताल्लुक नहीं है कि आपका घर कितना बड़ा है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि अगर आपने अपने घर का निर्माण सद्गुणों से किया है, अगर आपने अपने घर का निर्माण शालीनता से किया है, अगर आपने अपने घर का निर्माण अपनी नेक कमाई से किया है, तो वो दुनिया का सबसे छोटा घर ही क्यों ना हो, लेकिन आपकी नज़रों में वो संसार का सबसे बड़ा महल सिद्ध होता है। मैं आज आपको आवेदन करना चाहता हूँ कि तृष्णा, मैं, मेरा, मेरा दृष्टिकोण, कुछ ऐसी चार नेगेटिव एनर्जीज हैं जो आपके घर को घर नहीं रहने देती, जो आपकी व्याकुलता का कारण बन जाती है। चाहे घर जितना भी बहुत बड़ा हो, लेकिन अगर उसमें यह चार दोष हैं, तो प्रिय दोस्तों, वो घर, वो घरोंदा, वो रेजिडेंस, वो होम, वो हाउस घर नहीं रहता, बल्कि वो एक डेरा बन जाता है जिसमें आप सारा दिन पुरुषार्थ करने के बाद कुछ समय बिताने चले जाते हैं। आपकी तृष्णा आपको उत्साहित करती है कि घर छोटा है, और जब घर बड़ा हो जाता है तो एक तृष्णा और जागृत होती है कि यह घर भी छोटा है, और इसके बाद तीसरी तृष्णा, चौथी तृष्णा, और इसका कभी भी अंत नहीं होता। दोस्तों, भगवान महावीर ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति सारी पृथ्वी का मालिक ही क्यों ना बन जाए, उसकी तृष्णा कभी खत्म नहीं होती। आपकी तृष्णा घर को घर नहीं रहने देती। इसके बाद आप में मैं का जन्म होता है, और इसके बाद आप में मेरा का जन्म होता है, और इसके बाद आप में मेरा दृष्टिकोण का जन्म होता है। और जब ये सब जन्मती हैं, तो आपके घर के सभी सदस्यों में व्याकुलता बढ़ती है, और जब व्याकुलता बढ़ती है, प्रिय दोस्तों, दुनिया का चाहे सबसे बड़ा घर क्यों ना होए, वो टूट जाता है। महात्मा बुद्ध के पिता सुद्धोधन ने महात्मा बुद्ध के लिए तीन महल खड़े किए थे, एक बरसात में रहने के लिए, एक गर्मी में रहने के लिए, और एक सर्दी के लिए रहने के लिए। लेकिन जब सिद्धार्थ व्याकुल हो उठे थे और मुक्ति के मार्ग पर चल निकले थे, तब ये सारे महल तुच्छ बन गए थे।
फिर वो सिद्धार्थ से बुद्ध बने और फिर वो अपने जीवन के 80 वर्ष उन्होंने खुले आसमान में ही गुजारा दोस्तों। इसलिए आज मैं आपको आदेश देना चाहता हूँ कि आइए अपने घर का निर्माण बुद्धिमत्ता से करें। इनमें करुणा हो, इनमें सुख हो, इन घरों में शांति हो, और चाहे ये घर छोटे ही क्यों ना हो लेकिन इनमें प्यार और सद्भावना हो। वरना एक फिलॉसफर ने कहा है कि बेवकूफ लोग घर बनाते हैं और उसमें बुद्धिमान लोग अपना जीवन प्रवाह करते हैं। तो आइए प्रिय दोस्तों, आज इस विचार को अपने दिमाग में रखें। आपको सुख मिले, शांति मिले, आपका जीवन आगे बढ़ जाए, आपका एक सुंदर घरोंदा घर, घोंसला, हाउस या रेजिडेंस हो, मेरी भगवान के आगे ये प्रार्थना है।